हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बना देगी। अगर आपके बाल एकदम रूखे सूखे बेजान से है ना, तो ये रेमेडी आपके बालों को शाइनी और स्मूथ एंड स्ट्रेट कर देगी। तो चलिए बनाते हैं ये रेमेडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज भी कहते हैं। फ्लैक्स सीड हमें लेना हाफ बोल। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप पूरा बॉल ले लें। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, इसका हमें जेल बनाना है। जेल बनाने के लिए आप एक बर्तन ले लें। इसमें हमें 4 बड़े कप पानी ऐड कर लेना है। पानी को ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख देना है। बीच बीच में स्पून की हेल्प से हम इसे हिलाते रहेंगे। इसमें उबाल आते ही ये जेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। फ्लैक्स सीड ने जेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें थोड़ा थिक जेल चाहिए तो हम इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि जेल पूरा थिक हो जाए। जब इसका जेल थोड़ा थिक हो जाएगा, हम इसे उतार के रख देंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहने देना है, नहीं तो इसका जेल जम जाएगा। इसका जेल निकालने के लिए हमें एक पतला कपड़ा चाहिए होगा। पतले कपड़े में इसको डाल के इसका सारा जेल हमें निकाल लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ये जो जेल है ये ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो इसका जेल निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम जेल को हल्के गर्म में ही निकाल लेंगे। फ्लैक्स सीड का जेल भी दिखने में एकदम जैसे एलोवेरा का जेल होता है वैसा ही लगता है। गाइस, अगर आप हेयर स्पा कराने की सोच रहे हैं तो आप ये रेमेडी करके हेयर स्पा जैसा लुक घर पर ही कर सकते हैं। साथ ही आपके बाल एकदम पतले हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये रेमेडी करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बाल थिक हो जाएंगे। इस जेल को हेयर मास्क की तरह अप्लाई करना है अपने बालों में। आपको स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक इसको प्रॉपरली लगा लेना है। एटलीस्ट 1 आवर्स तक आपको बालों में इसको लगा के रखना है। 1 आवर्स बाद आपका जो भी फेवरेट शैम्पू हो आप उससे वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के बाद फर्स्ट यूज में ही आप देखेंगे आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों में एक अलग सी चमक आ जाएगी, बाल एकदम स्ट्रेट दिखेंगे। अगर आपने ये रेमेडी एक बार यूज़ कर ली, डेफिनेटली आगे जाके भी आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट ही इतना अमेजिंग मिलने वाला है। एक ही बार में ये बालों को स्मूथ कर देगा। इस रेमेडी को आप मंथ में 4 बार यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में।